नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी टाटराम। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी टाटराम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ी हम एक डिटेल में वीडियो बात करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन आप कैसे पकड़ सकते हैं, क्या कैसे होगा, ऑप्शन से होगा या फ्यूचर से होगा, और बड़े पैर क्या कर रहे हैं, यानी अगर एपीआई यहाँ पर अगर सेल कर रहे होंगे, कहिए बल्क सेलिंग या फिर बास्केट सेलिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा हमें। इसके बाद ये भी कैसे पता चलेगा कि कौन से कंट्री के एपीआई सेल रहे हैं, म्यूचुअल फंड कितना सेल कर रहा है या फिर म्यूचुअल फंड वाई कर रहा है। क्योंकि देखिए, मार्केट में जो कैश का पैसा आएगा ना, कैश का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैश में वहाँ पे बाइंग हो रही है और मार्केट नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको निकाला जा रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि मार्केट जब ऊपर जाने वाला होता है तो स्टॉक्स जो हैं वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में चला जाते हैं, यानी रिटेल ट्रेडर जो वीक हैंड होते हैं उनसे बिग प्लेयर स्मार्ट मनी के पास चला जाता है, और स्टॉक्स या फिर मार्केट जब गिरने वाला होता है तो स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में आ जाता है। इस डेटा को कैसे पता करेंगे, या गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, बेस्ड ऑन द डेटा, ये कोई प्राइज एक्शन नहीं बता सकता। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ बेस पूरा कैश का आज का वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं कि एपीआई जो करेंट मंथ में सेलिंग कर रहा है या फिर बाइंग कर रहा है, स्टेप बाई स्टेप दोस्तों। यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन यानी ऊपर से हम एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। आपको डेली बेसिस पे इस साइड पे आना है और देख लेना है एनएसडीएल पे। अब एनएसडीएल पे क्यों आना है, एनएसई पे क्यों नहीं। अब यहाँ पे जैसे आप एफआईआई डीआई के डाटा को मैच करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है। ये लिख के आ रहा है कि दिस डेटा इज बेस्ड ऑन टूडे एक्टिविटी कंपाइल्ड बेस्ड ऑन ट्रेडिंग कोड्स इंटर बाई ट्रेडिंग मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ऑर्डर एंट्री एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्लाइंट कैटेगरी क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाई ट्रेनिंग मेंबर्स एज पार्ट ऑफ यूनिक क्लाइंट को डिटेल अपलोडेड। इसके बाद अभी देखें, बीएससी डेटा हैज बीन कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द मार्किंग ऑफ क्लाइंट टाइप वाइल एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स। दिस ट्रेड डेटा इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज इंटर आलिया ऑन अकाउंट ऑफ कस्टोडियल कन्फर्मेशन प्रोसेस मॉडिफिकेशन एटीडी। यानी ये जो डेटा है आपको, जो हम लोग डेली देखते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट टू चेंज, ये प्रोविजनल डेटा है। अब इसके नीचे फॉर फाइनल एपीआई एफआईआई डेटा प्लीज रेफर टू एनएससीएल वेबसाइट। आपको ये एनएससी बता रहा है। अब आप में इस लिंक पे अगर टिक करते हैं तो वहीं पे आ जा रहा है जहां पे हम पहले खोल रखे थे। यानी फाइनल एफपीआई का डेटा ये है। एफपीआई में अब आप बाइंग देखिए, इक्विटी में प्राइमरी मार्केट्स और ये सब टोटल में दिखा रहा है। 17,100 करोड़ का यहाँ पे बाइंग हुआ, 26,800 करोड़ का सेल हुआ, 9,600 जो है नेट बेसिस पे सेलिंग, किसमें, इक्विटी में। इक्विटी में हमें इक्विटी का डाटा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ये क्या है, एक तारीख का। ऐसे आप तीन तारीख के देखें, दो को छुट्टी था, 2 अक्टूबर, 3 को क्या हुआ, यानी 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर में 12,700 की बाइंग, 18,100 सेलिंग, हमेशा ज़्यादा हो रहा है। अब इस तरह आप पूरे 20 तक का देखें, अगर फोर्थ में देखें आप, फोर्थ में भी 17,032,000 यानी 15,000 करोड़ की ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुआ, ठीक। तो कंटिन्यूस इनकी सेलिंग चल रही है। फिफ्थ में देखें आप, फोर्थ के बाद सेवन्थ है, सेवन्थ में भी कंटिन्यूस सेलिंग, 14,000 करोड़ की सेलिंग, नेट टू नेट 10,000 9,000 6,000 ऐसे इनकी नेट टू नेट सेलिंग आ रही है, 14,000 22,000 सेलिंग है। तो कौन से सेक्टर में सेलिंग हो रहा है, कौन से स्टॉक में सेलिंग हो रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे भी, और कौन सी कंट्री कर रहा है। 8 तारीख को आप देखें यहाँ पे भी सेलिंग, यानी बेसिकली अगर आप बात करें तो पूरा सेलिंग चल रहा है कैश में, एफआईआई कैश में सेल कर रहे हैं। 11th लास्ट में अगर आप देखें, जो 18th का डेटा है यहाँ पे, आज 18th में क्या हुआ है, 10,000 17,000 7,378, क्या एनएससी पे ये दिखा रहा है, एनएससी पे 7,000 का दिखा रहा है, देखिए 5,400 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये डेटा चेंज है, चेंज हो रहा है वहाँ पे। ये 5,400 प्रोविजनल डेटा है और ये चेंज होकर अभी क्या है आपको 7,000 हो गया है 18th को, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,300 एपीआई का, तो ये डेटा वैलिड है। अब हम इसको डेली बेसिस पर रिकॉर्ड जब करेंगे, 1 2 3 4 डेली बेसिस पे हमारा आ रहा है, सेलिंग चल रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई, सेलिंग चल रहा है। तो ये किस सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं, ये 15 डेज बाद में आपको मिलेगा। लेकिन एक और अगर आप डेटा देखें एनएससी का, जहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पे उनकी
सेलिंग हो रही है, कौन से सेक्टर में सेलिंग हो रही है। तो ये 15 डेज जब एनएससी वाली डेटा एनएससी इंडिया पर जाएंगे आप इंडाइसेस में, वहां पे आपको दिखेगा। देखिए एफएमसीजी में सेलिंग चल रहा, 5% गिरा है 1 मंथ में एफएमसीजी सेक्टर। इसके बाद मीडिया भी, यानी आपको ये ऊपर के सेक्टर गिरे हैं, और भी बहुत सारा सेक्टर गिरा है। फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखें यहाँ पे भी 2%, यानी सारे सेक्टर जो हैं, ऑटो सेक्टर भी 2% डाउन है, गिरा हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर आप देखें 1.6%, यानी जितने भी सेक्टर हैं उसमें सेलिंग प्रेशर है, लेकिन एफएमसीजी और ऊपर के ये सेक्टर में ज़्यादा गिरावट है। निफ्टी कितना गिरा, आप निफ्टी का हाई देखें 25,900 से 24,500, यानी लगभग 1400 पॉइंट, 1400 पॉइंट लगभग गिरा 1 मंथ में। तो कौन सेलिंग कर रहा है, किस सेक्टर में सेलिंग आया है? 15 डेज की अगर आप डेटा देखें, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर, ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा सेलिंग, यानी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रहा है। बाइंग नहीं, इनकी ओनली अदर्स में है, कहीं पर भी बाइंग नहीं चल रहा है। केमिकल में थोड़ी सी उन्होंने बाइंग किया, मेटल एंड माइनिंग में थोड़ा सा बाइंग, बहुत मिनिमम, फॉरेस्ट में मिनिमम, डाइवर्सिफाइड में मिनिमम, बाकी जगह सेलिंग, यूटिलिटीज़ में थोड़ा सा, सोवर ग्रीन में बिल्कुल नहीं, यानी ये सेलिंग चल रहा है। अब इससे पहले बाइंग भी चला होगा। तो इस मंथ में आप देखें सितंबर मंथ में निफ्टी का लो 24,700, हाई 26,200, किसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, किसने इन्वेस्टमेंट किया? तो आप अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पे जो है कंट्री वाइज कि किस कंट्री के एफआईआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। ये मेरा सितंबर का डेटा है, अगस्त का, ये सितंबर का एओसी एसेट्स अंडर कस्टडी, ये एनएसडीएल के पास जो इनकी पूरी होल्डिंग है, पूरी होल्डिंग कितने की है आप देख सकते हैं, 31,99,000 का, यहाँ पे 33,094, यानी यूएसए वाले ने बहुत अच्छा पैसा डाला सितंबर में। तो ये जब भी यूएसए वाले, अगर आप पूरे परसेंटेज देखें तो इनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, कितना अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखें तो इतना दोस्तों इनका परसेंटेज है, यानी पूरे होल्डिंग का लगभग 56% अकेले ये कवर करते हैं, 56% यूएसए वाले पूरी होल्डिंग की। आप इसको आप यहाँ से ड्रैग करें तभी पता चल जाएगा, देखिए 42% इनके पास पूरे स्टॉक की होल्डिंग, जितनी एपीआई इन्वेस्ट करते हैं 43%, यानी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है इनका। तो ये अगर मार्केट में सेल करने लगेंगे तो क्या होगा, मार्केट टिकेगा नहीं, 1000 to 150, यानी 1500 to 1000 पॉइंट तक लेके निफ्टी को आते हैं, प्रीवियस वीडियो में उन्होंने बात किया था। तो दोस्तों अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच डेली बेसिस पे पता करूं, इसके बाद मैं 15 डेज पे पता करूं कि कौन से सेक्टर में सेलिंग आ रहा है, अगर आप इसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में सेलिंग आए, तो मेरा यहाँ पे एक आप जो स्टॉक वाली है यहाँ पे भी पता चल जाता है कि बाइंग नहीं आएगा आपको। अब मैं यहाँ पे आपको देखो दिखा देता हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज में जितने स्टॉक होंगे उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स में कोई में भी बाइंग नहीं आएगा, है ना। अभी मैं यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक्स खोलता हूँ, देखिए कोई बिल्कुल बहुत कम, 5 पैसा में बहुत कम एंट्री आई है, 588-532 चल रहा है, यानी वहाँ पे आपको एंट्री होगी ऐसा बहुत कम दिखेगा, बहुत कम। ई यू बैंक में कोई एंट्री 15 डेज में नहीं है, अक्टूबर में आप देखें कोई अक्टूबर में ही नहीं है, यानी अक्टूबर मंथ में इनकी बजाज फिनसर में देखें कोई है नहीं है, सितंबर के बाद ये 7th 8th अक्टूबर में है ही नहीं कोई एंट्री। जितने भी आपको बैंक ऑफ इंडिया, एक दो ऐसे स्टॉक्स छोड़ के बाकी में मैक्सिमम क्या है, सेलिंग चल रहा है, मैक्सिमम में सेलिंग चल रहा है। दैट मीन्स कि ये सेक्टर क्या है, आपको बेरिश होने वाली, इस सेक्टर में कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे एफएमसीजी लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने अभी एफएमसीजी लिया, हेल्थ केयर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड का यहाँ पे हमारे पास स्टॉक आ गया AWL, कोई एंट्री नहीं है दोस्तों, कोई एंट्री नहीं है। HVD हाई वॉल्यूम वाली डिलीवरी चल रहा है, एंट्री नहीं आ रहा है दावत। आप ऐसे स्टॉक्स में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप खुद बताइए। ब्रिटानिया,
ब्रिटानिया में हाई वॉल्यूम डिलीवरी, एंट्री नहीं, यानी कोई बड़ा प्लेयर वहाँ पे बस नीचे आने के बाद एक्युमुलेशन कर रहा, अभी वहाँ पे पैसा नहीं बढ़ा रहा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि उस सेक्टर में स्टॉक्स में भी सेलिंग हो रहे हैं। तो आप इस तरह अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ आपको एक और NSDL पे जाएंगे, वो डेटा आपको इंडिकेट करेगा FII में क्या म्यूचुअल फंड बाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इसके सेक्टर पे ही मार्केट डेटा में जाइए, AUC एसेट्स अंडर कस्टडी में कैटेगरी वाइज जब आप डेटा पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको दिख जाएगा, देखिए म्यूचुअल फंड्स, ये कब में, सितंबर मंथ का है, कितना है 4418963। चलिए अभी अक्टूबर का नहीं आया है, मैं अगस्त का देख ले रहा हूँ, 44 आप याद रखिएगा, अगस्त में आप देखें, अगस्त में म्यूचुअल 4219 उसने सितंबर अगस्त से सितंबर मंथ में पैसा डाला था, दैट मींस कि वो बुलिश था। तो ये डेटा FII के हिसाब से चलता है, FII जब पैसा डालते हैं उनके हिसाब से चलता है मार्केट। ओवरऑल अभी आप देखें 1000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट गिर चुका है, थोड़ा सा रिकवरी लिया, उसी में लोग क्या है पूरे एकदम परेशान हो गए, अरे ये मार्केट तो पूरा रिकवर कर जाएगा, वन डे के कैंडल में तो यहाँ चला गया वहाँ चला गया। जबकि आप अगर इस डेटा को एनालिसिस करेंगे तो कभी भी आप मार्केट में गच्चा नहीं खाएंगे। तो इसका नेक्स्ट टारगेट अभी आपको 24,000, इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे और 23,000 22,500 आएगा बेस्ड ऑन द FII की सेलिंग। तो दोस्तों आप ऐसे अगर एनालिसिस करते हैं तो कैश का आपके पास स्टॉक्स रहेगा, आप वहाँ पे बेच देंगे, निकल जाएंगे, बुक कर लेंगे प्रॉफिट, ये सब चीज़ें कर लेंगे आप, फिर नीचे आके जब इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे तो बाई करेंगे। अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो ऑप्शन में डेली बेसिस पे, डेली बेसिस का मजा लीजिए, निकलिए, इसके लिए ऑप्शंस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये सब कुछ सीखना है ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग है तो नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप आपको 7 दिसंबर से हो रहा है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा कि कैसे कैश की एनालिसिस करते हैं, डेटा कैसे लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक चाहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का पसंद नहीं कीजिए, अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो में रिलेटेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए।